भाई साहब, ये जमाना बहुत बदल चुका है। पहले लड़कियां मरती थी रियाज पे और आज मरती हैं प्याज पे। भाई साहब, प्याज के मैगी होने से अनगिनत दारूबाजों के चकने में से प्याज गायब हो गई है। और भाई साहब, इससे फायदा भी हुआ है। जिनकी बरसों से शादियां नहीं हो रही थी, आज वो शादी करने के लायक हो गए हैं। अंकल, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। क्या करता है, सरकारी नौकरी है? नहीं अंकल, मैं खेती करता हूँ। चलता यहाँ से। अच्छा सुन, क्या खेती करता है? अंकल प्याज की। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? पेड़ छू मेरे, जा पिक्चर दिखा के ला इसको, जा। आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, औरत है, शोहरत है, बैंक बैलेंस। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास एक किलो प्याज है। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देख के आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे प्याज के जलवों के बारे में, जिसने पूरी दुनिया पर तहलका मचा रखा है। तो आज का फाड़ वीडियो शुरू करते हैं। कौन कमबख्त प्याज के इतना दाम बढ़ा दिया है? महीना भर से प्याज के बिना सब्जी खा रहा हूँ, वाट लग गई मेरी। हालत खराब होगी लोगों की, हालत खराब। भाई साहब, लोग प्याज के बिना कतई रह नहीं पा रहे हैं। और भाई साहब, प्याज को लेने के लिए चोरी कतारी पर उतर आए हैं। ओह नो, बेटा सोचना मत बेटा, ये प्याज है, कोई हीरे जवाहरात नहीं जो तुम ऐसे चुरा ले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, पकड़ में आ गई ना साले, उम्र कैद की सजा होगी। प्याज है, ये कोई हीरे मोती नहीं है जो तुम चुरा ले जाओगे। प्याज के बिना अगर तुम रह नहीं पा रहे हो, प्याज की तुम्हें याद आती है तो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई किस दिन काम आएगा? भाई साहब, प्याज की इतनी भरमार होगी कि प्याज कभी खत्म नहीं होगी। बस करना कुछ नहीं है, बस अपने पूरे घर के प्रॉपर्टीज के कागज इकट्ठे करने हैं, उन पर पापा मम्मी की साइन करवानी है, उसके बाद वो बेचनी है। बेच के जो पैसे आएंगे उनसे एक गांठ प्याज की लेनी है। और जो जो मेरा ये बंदा कर रहा है उसी हिसाब से कर देगा। प्याज की कमी नहीं होगी भाई, प्याज की कमी। और ज्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरे डीएम को इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम हैंडल दिए रहे। भाई साहब, प्याज ही हमसे मजे नहीं ले रही है, प्याज के साथ साथ सब्जी वाले भी हमसे मजे ले रहे हैं। अगर आपके पास 10 रुपए किलो प्याज है, 10 रुपए किलो प्याज, तो भाई साहब आप जाना मत, क्योंकि आपके साथ भी कुछ ऐसा ही धोखा हो सकता है। 10 का 1 किलो प्याज, 10 का 1 किलो। अरे भैया, प्याज तो बड़ी सस्ती हो रही है। हाँ हाँ मैडम, प्याज तो बहुत सस्ती हो रही है, आप भी ले लो। मुझे भी दे दो 10 की। हाँ क्यों नहीं, ये लो। अरे ये क्या, एक प्याज? आपने तो कहा था 10 की 1 किलो। मैडम 10 की 1 ही। तब मैं सब्जी वाले सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, भाई साहब आज प्याज महंगी है तो तू ले ले मजे। जिस दिन प्याज सस्ती होगी ना, तेरे से एक सब्जी नहीं लूंगा, एक सब्जी। उत्तरी, ये तो यार मोदी जी का सपना पूरा हो गया कैशलेस इंडिया बनाने का। भाई मोदी जी को बताना पड़ेगा। हेलो मोदी जी। हाँ बोलो। देख रहे हो मोदी जी, आपका कैशलेस इंडिया बनाने का सपना पूरा हो चुका है। हाँ मुझे पता चल गया। क्यों, आपको कैसे पता चला? मैंने तेरा चैनल राहुल चहर RSC पहले ही सब्सक्राइब। धन्यवाद मोदी जी। ओके ओके ओके, बाय, टेक केयर। Yeah.
नहीं यार ये चल क्या रहा है, घोर कलयुग आ गया है, प्याज लेने के लिए लोगों ने फोन देने पड़ रहे हैं, और आपको यकीन नहीं हो रहा तो एक आध क्लिप और देख लो। स्नैक्स रख दे, पांच छह रख दे बेटे, देखो ये बोल अब ठीक है भाई साहब, एक निकाल लो। अरे भाई साहब एक हुआ इसमें नोकिया का। हाँ तो भाई, भाई तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, तुम्हें लड़की नहीं मिल रही है, तो तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारा भाई किस दिन काम आएगा भाई, करना कुछ नहीं है भाई सब, शादी ऐसे होगी भक्के, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको बात करनी है प्याज वाले से, प्याज की ठेली पे जाना और आपको एक एक्टिंग करनी है, आपको उससे बोलना है बस कि भाई साहब मुझे 10 किलो या 20 किलो प्याज दे दो, भाई साहब लड़कियां पे लट्टू होंगी, ऑन द स्पॉट शादी होगी आपकी, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो भाई का डीएम चेक करो, उसमें आपको एक लाइव डेमो मिल जाएगा। ओ भैया, अरे ओ भैया। हाँ बोलो। मुझे ना 10 किलो प्याज दो। मम्मी मम्मी मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, प्लीज 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 प्लीज। भैया 20 किलो दो। भाई साहब इस बढ़ती महंगाई के चक्कर में जमाना बिल्कुल खराब हो चुका है, भाई साहब दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, इसका एक लाइव डेमो देने जा रहा हूँ। भाई साहब एक दोस्त ने अपने दोस्त के घर में एक हाथ साफ कर लिया, आप खुद देख लो। मुझको गलत ना समझना, मैंने ही बादल आवारा। ऐसे ही लोगों के चक्कर में लोगों को अपनी प्याज तिजोरी में रखनी पड़ रही है। नो 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 नो। भाई साहब टिकटॉक पर एक से एक क्रिएटिव बंदा बैठा हुआ है, उनकी आप क्रिएटिविटी तो देख चुके हैं, भाई साहब क्रिएटिविटी अभी बाकी है, भाई साहब बॉलीवुड को सीधा टिकटॉक में उतार दिया है, आप खुद देख लो। सब्जी वाला है ये। यू यस मी सब्जी वाला, दे दिया झटका। बहुत झटके देना सीख कर आए हैं आप। प्याज 80 रुपए किलो, दे दिया ना झटका। तुम्हारा था? क्यों हमें चैन से जीने नहीं देते? क्यों नाराज हो रही हो? 70 रुपए लगा में ले लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मतलब मेरे को क्या? ऐशीला, अरे 20 रुपए लगा दूं तेरे लिए। देख रहे हो भाई प्याज वाला कितना भाव खा रहा है, और भाई खाए भी क्यों ना, भाई साहब प्याज महंगी होगी तो बहुत मौका उठा रहे हैं, पहले लड़कियां बाप खाती थी और लड़के बाप खा रहे हैं प्याज का, और भाई साहब आज वो स्थिति है भाई, प्यार और प्याज को नापा जाए ना तो प्याज का पल्लड़ भारी है, आप खुद देख लो। भाई यहाँ क्या कर रहा है, उधर प्याज 10 रुपए में मिल रहे हैं। तेरे लिए मैं जहाँ से टकराऊंगा सब कुछ खो। हाँ तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगी है, अब बताऊँ ना मेहनत कितनी लगी है, 2 घंटे हो गए इस वीडियो को शूट करते करते, छत पे ऐसे ही खड़ा हूँ यार, धूप लग रही है सूरज में, क्योंकि अच्छा बैकग्राउंड आई, अच्छी लाइट आई, इस वजह से यहाँ पे खड़े को वीडियो बना रहा हूँ, और भाई साहब यार लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा मेहनत की इस बार, अगर लाइक कर दोगे ना तो आपके घर में 1 किलो प्याज भिजवाऊँगा, और नहीं करी ना तो इस पहाड़ को छोड़ दूंगा आपके घर में। असली बंदूक तो असली बंदूक दिखा दो।